तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आवर ब्लॉग चैनल मुकुल ब्लॉग विंड। गाइस तो ये रहा हमारा जोमेटो का बैग, ये रही हमारी बाइक। बाइक के ऊपर बैग बांधा हुआ और बाइक की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, तो आज पहले जाएंगे बाइक को सर्विसिंग वगैरह कराएंगे, मैकेनिक के पास चलते हैं फटाफट, उसके बाद आपसे मिलते हैं और फिर कहीं जाएंगे हम लोग घूमने। तो बने रहे ब्लॉग के साथ, काफ़ी मज़ा आएगा इस ब्लॉग में। तो फाइनली गाइस अभी हम मैकेनिक के पास पहुंच चुके और ये हमारा मोबिल सारा निकल चुका और इसमें रहा हमारा डीजल। डीजल इंजन में डाल के गाइस पहले इंजन को अच्छे से स्टार्ट करके मतलब सारे कचड़ा वगैरह जो होता है इंजन में सारा निकाल दिया जाएगा, मोबिल के थ्रू निकल जाएगा, फिर इसमें फिर न्यू मोबिल डाला जाएगा। तो ये साइड होने के कारण इसमें कुप्पी नहीं जा रहा था, तो ये छोटा वाला कुप्पी लाएगा, ये जा ही नहीं रहेगा इस ये खोलने के बाद भी नहीं जा रहा, तो छोटा वाला कुप्पी ला के पहले इसमें डालेंगे अपना वो डीजल, उसके बाद फिर मोबिल। तो दोस्तों छोटे वाले खुप्पे के थ्रू इजीली इसमें डीजल दिया जा रहा है और डीजल देने के बाद इंजन स्टार्ट करके 2 मिनट हीट करके इसको निकाल देंगे सारा डीजल को, उसके बाद मोबिल इसमें डालेंगे। डीजल डला गया, अब इसको फटाफट से पहले स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट हीट करते हैं इंजन को, उसके बाद सारा का सारा डीजल निकाल लेंगे। देख सकते हो हमारी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, थोड़ी देर 2 मिनट के बाद सारा डीजल निकाल लेंगे। तो सारा का सारा डीजल निकल चुका, देख सकते हो गाइस डीजल में कितना कचरा निकला, कितना मैला हो गया। एक सेकंड मैं आप लोगों को दिखा दूँ अच्छे से। उससे पहले इसमें एयर मार को इसको पूरा क्लीन किया जाएगा, देख सकते हो ये एयर टैंक है, इसमें अभी एयर मारा मतलब मारा जा रहा है एयर। एयर मारने से जितना भी उसमें कचरा वगैरह होगा सारा, तो देख सकते हो दोस्तों अभी इसमें वाइट मोबिल डाला गया था, मोबिल नहीं सॉरी आई मीन डीजल डाला गया था, और ये देख सकते हो कितना ब्लैक हो गया, इसमें कितना कचरा है गाइस। ये होने के बाद अभी फाइनली इसमें मोबिल डाला जा रहा है, मोबिल डालने के बाद अच्छे से चैन वगैरह जो थोड़ा लूज है उसको काट दिया जाएगा या टाइट कर दिया जाएगा और गाड़ी को अच्छे से वॉश कर दिया जाएगा। अभी मोबिल डाला गया फाइनली और यहाँ पे गाड़ी वॉश हो रही है चैन कवर खुल के। तो दोस्तों देख सकते हो अभी अच्छे से शैम्पू से वॉश करके इसको अच्छे से फिर पानी मार के धो दिया जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे हमारी गाड़ी धुल चुकी है, अब इसको आई थिंक चैन वगैरह काटेगा क्या होगा। तो चैन यहाँ पे एक चैन कट रहा है, एक या दो चैन काटने के बाद हमारी गाड़ी हो चुकी है रेडी। फाइनली गाइस हमने गाड़ी वगैरह बनवा लिया, अब हो चुका है शाम, अभी हम चल रहे हैं खैरा, वहाँ पे हमें एक दोस्त ने बुलाया था जिसका नाम है आदित्य, तो अभी हम जा रहे हैं उससे मिलने। और मैं ये टॉप इसलिए पहन के रखा हूँ क्योंकि मैं हो चुका हूँ गंजा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे कई कई जगह पे इसको गंजा टकला जो बोलते होंगे गाइस वो, तो उसके कारण मुझे ये ठंडा वाला टोपी पहनना पड़ रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये ठंड आने वाली थी, इसलिए मैं ये टोपी ले रखा हूँ। चलते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से, देख सकते हो हम फिर हैं चला रहा और ये। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, देख सकते हो ये लौंडा। हाय दोस्त, कैसा दोस्त, हाय कर दो दोस्त। तो गाइस देख सकते हो यही है इसका एक छोटा सा घर, ये रहा इसका बाइक, ये रहा इसकी रही H2R और ये रहा इसका, देख सकते हो गाइस झुक के आना पड़ रहा है इतना नीचे है ना, ये बहुत पुराना घर है। और अब इसका होम टूर कर, तो लिटरली गाइस बहुत पुराना होम है इसका। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं, अभी चलते। तो ये रहा गाइस इसका होम, इसका पर्सनल रूम, देख सकते हो इसने एक छोटे से रूम को किस तरह से करके रखा है, छोटा सा रूम है जहाँ पे एक कैंडिडेट रह सकता है। और देख सकते हो इसको म्यूजिक का बहुत शौक है, ये देख सकते हो ये कहाँ से जीता था रे आदित्य, ये पटना में क्या म्यूजिक कॉम्पिटिशन में। तो गाइस देख सकते हो इसने ये मेडल और बहुत सारे मेडल्स हैं यहाँ पे, आप लोग जैसा देख सकते हो यहाँ पे रखा हुआ है, इसने सारा मेडल्स जीता है अपने टैलेंट से, तो बंदे में टैलेंट होगी, सुनेंगे आज इसका म्यूजिक विजिक भी। गाइस देख सकते हो यहाँ पे दो दो गिटार है, ये बजता भी है और काफी हद तक सही है। इसका एक छोटा सा रूम है, कंजेस्टेड रूम है इस बंदे के लिए, और काफी मेंटेन में रख रखा है इसने इस रूम को। तो गाइस यही रहा इसका एक छोटा सा रूम जो हमें मुझे तो काफी अच्छा लगा, काफी हद तक देख सकते हो इस, तो देख सकते हो ना ही सुर ना ही ताल, फिर भी ये लोंडा हाथ में गिटार लेके बजाओ, एक अच्छा सा म्यूजिक बजा तू पहले। ना ही सुर ना ही ताल, बस ऐसे 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 कर दिया हो गया। देखो देखो हम गाइस हम गाना गा के सुनाएंगे तुमको, ऐसा बात नहीं कि हम गाना नहीं गाना जानते हैं, जल्दी आओ मुकुल आ गया मेरे को बिना बंद कर। तो गाइस ये बोल रहा हम लोगों को सजेस्ट करने, हम लोग जो बोलेंगे ये वो गाएगा, हम लोगों को भी गाना पड़ेगा, हम लोग भी साथ में गाएंगे। जैसे तो गाइस हम मेरा सुर जानवे करते हैं कितना बढ़िया है, सपोर्ट थोड़ा कौन सा गाएगा, बातें कभी ना खामोशियां का।
खामोशिया का गायेगा गाइस बातें ये कभी ना, स्टार्ट। काफी बेटर गाया, ताली बजाइए सर आप। काफी बेटर जितना होप किया, जैसा कि बोल आपको जितना होप किया था पिछले वाले से उससे कई ज्यादा इसने अच्छा गाया है इस वाले में। आप लोगों ने सुना ही होगा, नीचे कमेंट कर दे कि कैसा लगा आप लोगों को, मुझे तो लिटरली काफी अच्छा लगा। और इसकी जैसा कि इसने बोला म्यूजिक का क्लास वगैरह कर रहा है, तो